खालीपन सा महसूस होता है क्योंकि एक रूटीन सा बन जाता है घर में, रोज रौनक फैल जाती है, सुबह शाम आरती होती है, सारे परिवार वाले मिल जाते हैं, घर की सारी लेडीज बच्चे वगैरह सब इंडियन कपड़ों में नजर आते हैं, तो उसका एक अलग माहौल, एक रौनक फैल जाती है। और 5 दिन के बाद आज बप्पा हमारे घर से जा रहे हैं, लेकिन हम यही उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे साथ साल भर रहें और अगले साल जल्दी आएँ, हमारे दिल में, हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। उनका आशीर्वाद तो हमेशा आपके साथ। बिल्कुल। ये बताइए कि पिछले साल से इस साल में कुछ आपने कुछ बदलाव देखा, कुछ फर्क देखा है, मतलब सेलिब्रेशंस में हो गया है? हाँ, मुझे लग रहा है कि इस साल और जोर शोर से मनाया जा रहा है गणपति, और बहुत मज़ा आ रहा है इस बात को देखकर, क्योंकि एक पूरे मुंबई शहर में, खासकर देश भर में होता है, लेकिन मुंबई शहर को तो बिल्कुल गणपति सेलिब्रेशन का एक महोत्सव मनाया जाता है, तो यहाँ पर वो देखकर बड़ी खुशी हो रही है। और बस इतना ही है, हर साल में लोगों से यही प्रार्थना करता हूँ, यही गुजारिश करता हूँ कि गणपति जी अब हम मनाते हैं, उनको सेलिब्रेट करते हैं, तो दो चीज़ें, एक तो सेलिब्रेशन में एनवायरमेंटली फ्रेंडली रखिए, क्योंकि जितने टॉक्सिक पेंट्स हम डालते हैं, प्लास्टर ऑफ पैरिस के गणपति होते हैं, वो पर्यावरण को काफ़ी नष्ट करते हैं, और समुद्र के जितने प्राणी हैं उनकी हेल्थ को बहुत ख़राब करते हैं, ऑल आर सी क्रीचर्स, दे गेट वेरी बैडली अफेक्टेड। एंड दूसरा, मैं हमेशा कहता हूँ कि हम मिठाइयाँ इतने रखते हैं, हमारे गेस्ट मेहमान फ्रेंड्स इतने ज़्यादा होते हैं, लेकिन कुछ एक निस्वार्थ भाव से गरीब लोगों के लिए उनका अगर खाना हो जाए, उनका अगर पूजन हो जाए, उनको अगर कुछ खिला पिला दिया जाए, उनका पेट भर जाए गणपति के इन दिनों में, तो दुगना मज़ा आ जाए। तो इस बार विघ्न हट्टा से कौन से विघ्न हरने की प्रार्थना की है? मैंने वैसे तो कोई विघ्न नज़र नहीं आ रहे, लाइफ बहुत मस्त है, बहुत बढ़िया चल रही है, बस विघ्नहर्ता से ये प्रार्थना की है कि वन फाउंडेशन के तहत हम लोग काफ़ी बड़ा काम कर रहे हैं इस साल, और बहुत बड़े हमारे US UK में फंड रेजर्स और प्रोग्राम्स तय हुए हैं, तो बस विघ्नहर्ता से यही प्रार्थना है कि उसमें हमें पूरा सपोर्ट दे, पूरा समर्थन दे, और जितना बड़ा उनका पेट है उतना ही बड़ा उनके भक्तों का दिल हो, और लोग आएँ और हमसे जुड़कर अच्छे काम में हमारी समर्थन करें, हमारी मदद करें। सर, आपके फाउंडेशन के जो बच्चे हैं उन्होंने भी, मतलब गणेश चतुर्थी आपने उनके बिल्कुल साथ बिल्कुल हम हर साल वहाँ पे मनवाते हैं, जहाँ जहाँ हमारे स्कूल्स हैं वृंदावन में वहाँ पे मनाया जाता है, यहाँ मुंबई में भी अगले साल से जहाँ पे हमारा सेंटर तैयार हो जाएगा, तो हम बड़े वे में गणपति जी को वहाँ पे भी मनाएंगे सब बच्चों के साथ। हाँ, बहुत दुख हुआ देखकर, इतना सूखा है, पानी की इतनी दिक्कत है, इतनी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ मुंबई में, अगर 2 दिन नहाने के लिए पानी ठीक से नहीं आ जाए तो हमें तकलीफ हो जाती है, वहाँ पे लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है, खेत की सिंचाई करने के लिए पानी नहीं है, अपने जीवन के लिए पानी नहीं है, तो बहुत बुरा लगता है, और ऊपर वाले से प्रार्थना यही है कि खूब बारिश हो और समय पर हो और हमारे किसान भाइयों की मदद हो। विवेक सर,
गणपति बप्पा।